सो गाइस आज हमारे पास लैंड रोवर, आज इसका लपड़ा क्या है कि मतलब ये गाड़ी चालू हो नहीं रही है अभी, तो स्टेप बाय स्टेप सब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कैसे कैसे करना पड़ेगा। अभी देखिए मैं स्टार्टर मार रहा हूँ, सिर्फ जर्क हो रही है, पूरी तरीके से गाड़ी हिल रही है लेकिन चालू नहीं हो रही। अभी बोलूंगा तभी स्टार्टर मारना। सबसे पहले अभी आते आगे आके चेक करेंगे अपन इसमें डीजल आ रहा कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले अपन मैनुअली करेंगे, उसके बाद फिर बाद में स्कैनिंग लगा के करेंगे अगर नहीं हुआ तो। तो सबसे पहले डीजल चेक कर लेते हैं, डीजल आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि गाड़ी स्टार्टर रही है। अभी ये देख सकते हैं आप, इसमें डीजल नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो अपन इसको मैनुअली खींचना पड़ता है। अभी देखिए लैंड रोवर में प्रॉब्लम कैसा रहता है आपको मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। इसमें अगर डीजल ख़त्म हो गया गाड़ी में या तो कुछ भी मतलब हुआ, डीजल एक बार सप्लाई ख़त्म हुआ तो आपको ऐसा मैनुअली खींचना पड़ता है। या तो आपके पास पंप रहेगा तो पंप से लगा के ऐसा खींचे, फ्यूल पंप से नहीं होता, फ्यूल पंप से आता नहीं है, आपको एकदम मैनुअली हाथ से ऐसा कर कर करके निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुँह से खींच के निकालना पड़ता है। तो अभी चालू करके देखते हैं, अभी भी नहीं हो रहा। उसके बाद फिटिंग कर दिया हमने वो एक पाइप लगा के, तो उसके बाद भी नहीं हो रहा। तो सबसे पहले इसके रेल का एयर निकाल लेते हैं। तो अभी मैं उसको बताता हूँ आपको उसका लपड़ा क्या होता है ना, अगर डीजल ख़त्म हुआ कुछ भी रीज़न से, अगर डीजल मतलब आना बंद हुआ तो वो क्या होता है कि मतलब बंद हो जाता है, फ्यूल पंप से डीजल आता ही नहीं, आपको कुछ भी कर लो फिर आएगा ही नहीं, जब तक आप उसको मैनुअली या तो फिर पंप से, पंप मतलब अपना फ्यूल पंप से नहीं होगा, वो हाथ से अपना पंप रहता है, देखो जिसे पहले डीजल को आता है, इसको आता है, क्या बोलते हैं फोर्ड को आता है, वैसा पंप रहेगा तो आप ऐसे हाथ से करके खींच सकते हैं, डस्टर को आता है वो वाला पंप। तो उससे देखिए अभी मैं स्टार्टर मार रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो सबसे पहले अभी हम एयर उड़ा लेते हैं इसके सबसे, एयर उड़ा के फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें के जितने भी एयर उड़ा लेंगे, उसके बाद फिर अगर तब भी नहीं चालू हुआ तो उसके बाद स्कैन करेंगे। तो अभी पहले अभी देखिए एयर है इसमें, अभी आ रहा है डीजल, हमारा सप्लाई चालू हो गया इधर से उधर तक। आप एकदम याद रखिए, अगर इधर डीजल नहीं आ रहा तो आपको मैनुअली खींचना पड़ेगा, लैंड रोवर को यही है रहता है, नहीं खींचेंगे तो वो फिर बाद में आगे डीजल आएगा ही नहीं। फ्यूल पंप आपने डीजल डाल भी दिया तो भी वो आगे फ्यूल पंप चालू होता है लेकिन डीजल नहीं भेजता है, क्योंकि हमको जब तक मैनुअली नहीं करेंगे जब तक वो आता नहीं आगे। तो अभी हमने मैनुअली करके इसको लेकर आया, डीजल लेकर आया, अभी उसके बाद भी गाड़ी नहीं चालू हो रही है। तो अपन देखेंगे, स्कैन करेंगे तो देखेंगे उसमें कॉड क्या बताता है। तो सबसे पहले इसके एयर बेयर उड़ा के एक बार स्टार्टर मार लेंगे अपन, नहीं हुआ तो उसके बाद स्कैन करेंगे। तो अभी जितने भी है सब खोल के एयर उड़ा डालेंगे, क्योंकि अगर एयर पकड़ा रहेगा इंजेक्टर तो भी चालू नहीं होगा गाड़ी। तो एयर उड़ा के अगर तो भी चालू नहीं हुआ तो समझो कि मतलब आगे का कुछ तो लपड़ा रहेगा। तो अभी सबसे पहले ये सबसे एयर उड़ा के गाड़ी स्टार्ट मार के देखेंगे, ये देखेंगे हमारी गाड़ी हो गई। तो अभी ये सब ऐसा ही करके देखते हैं, एयर उड़ा डाले अपन ने सब, हम लोगों ने इसका सबसे एयर वेयर उड़ा डालेंगे तो उसके बाद फिर लगा के फिर बाकी का बताओ। अभी ये सब जितने भी है सब लगा देंगे वापस, एयर उड़ गए एक बार वापस लगा देंगे, वापस लगा के फिर स्कैन करें आप, अब फिर उसके बाद ही कुछ रहेगा। तो अभी इसको लगा के फिर स्कैन करता हूँ मैं। तो अभी मैंने सब स्कैन किया, अभी वहाँ से तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डीजल आने लगा है। अभी ये देखिए इतने सारे फॉल्ट है, अभी इसको क्लियर करूँगा उसके बाद सिर्फ। अभी ये देखिए क्रैंक का एक ही फॉल्ट जो मेन है, ये वाला एक्टिव है, इसको अपने को क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो आ गए अभी अपन ये गाड़ी के नीचे, अभी ये देखें इसको लपड़ा क्या हुआ है इसका, ये क्रैंक सेंसर और इसके नीचे पतरा रहता है, वो पतरा निकाल दे। अभी ये देखिए इसका कपलर ही टूट गया है, ये तो पूरा निकल ही गया, अभी इसको कुछ तो करना पड़ेगा अपने को। तो अभी ये कपलर को पहले, इसका कारण क्या है टूटने का, इसे टूटना नहीं चाहिए, ये तो गर्म होके भी नहीं टूटेगा। तो अभी हमको रीज़न समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये देखिए ये बेल्ट टूटा है और वो बेल्ट के पास रहता है, बेल्ट जाके उसको ऐसा फटका मार रहा था इसलिए करके वो टूट गया है। तो अभी ये देखिए अभी इसको फिर अपने को नया बेल्ट भी डालना पड़ेगा। अभी हमने इसको टेम्प्रोरी फिक्स किया है और उसके बाद गाड़ी चालू करके देखेंगे चालू होती है कि नहीं चालू होती है। तो हमारा स्टार्टर अभी ये देखिए अभी ये चालू हो गया हमारी गाड़ी, मतलब और ये अगर क्रैंक को कुछ भी हुआ तो वो डीजल सप्लाई बंद हो जाता है अपने आप। तो हमको डीजल वैसे भी पहले उसको करने का था, तो भी मतलब कभी भी करना ही था हमको, क्योंकि नहीं करते तो वो नहीं चालू होती गाड़ी। तो अभी हम क्या करेंगे, नया बेल्ट वेल्ट सब डाल देंगे और उसके बाद फिर वापस गाड़ी वेड़ी चालू करके चेक करेंगे। तो ये ध्यान दें, यहाँ से ये वाले पंप, ये वाला अपने को ये निकालने का और इधर से पंप से खींच के लेने का, हाथ से खींच के लेने का, मुँह से खींच के लेने का, जैसा भी रहेगा आपको समझ में आएगा। अभी हमने सब डीजल वीजल उड़ा लिया, क्रैंक सेंसर लगाने के बाद भी नहीं होता था। तो अभी गाड़ी चालू करके देखता हूँ मैं। अभी ये देखिए अभी अंदर की साइड में हम लोग, और इसका जो फ्यूल पंप रहता है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे रहता है। ये देखें हमारी गाड़ी चालू है, अभी उसका फ्यूल पंप किधर रहता है ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अभी चलते हैं लेफ्ट साइड पीछे के, अभी ये देखिए राइट साइड में है,
ये देखिए ये सीट निकाला कि इधर है उसका फ्यूल पंप, इधर से फ्यूल पंप रहता है। बाकी तो आपको समझ में आ गया रहेगा कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करें। तो सबसे पहले तो हम डीजल मैनुअली कर रहे थे, मैनुअली नहीं हुआ तो उसके बाद स्कैन किए, तो यही सिस्टम है बाकी कुछ नहीं। अभी इसमें देखे अभी हमने बेल्ट वेल्ट लगा दिया, अभी ये देखे बेल्ट नया बेल्ट डाल दिया है, अभी वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसको जो कपलर था वो भी फिक्स कर दिया है, चालू करके देखते हैं। ये देखिए अभी हमारा गाड़ी